Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Adnan Noon. I am English literature professor. आज जो हम वीडियो करने जा रहे हैं, जो आज हम लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं, वो है द बियर प्ले पे. जिस तरह के द बियर प्ले पे दो लेक्चर्स हैं वो पहले आ चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है द बियर प्ले पे. तो मैंने लास्ट टाइम भी ये रिक्वेस्ट की थी कि जब आप मेरा कोई भी लेक्चर किसी भी ड्रामे का या किसी भी पोइट्री का या हिस्ट्री का देखते हैं या सुनते हैं, तो काइंडली उस प्ले को एक दफ़ा पढ़ लिया करें, उसकी समरी या स्टोरी को. तो सॉरी, जो बियर प्ले है, लास्ट टाइम हमने जो उसमें पढ़ा, हमने उसमें क्रिटिसाइज किया पापुआ, और उसके साथ हमने पापुआ को डिफेंड भी किया अपनी लास्ट जो हमारे टू लेक्चर्स थे उनके अंदर. आज जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर हम दो चीज़ें करेंगे. एक तो हम क्रिटिसाइज करेंगे जेंट्स को, ठीक है, उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे, और दूसरा इस प्ले के अंदर जो राइटर है वो एक्चुअली जो उसके कैलकुलेटेड मीनिंग्स हैं उस पर भी बात करेंगे और उसके टाइटल पर भी बात करेंगे. बियर प्ले जो है उसके अंदर क्रिटिसाइज किया गया है जेंट्स को, मेल जो है उनको, और इसके अंदर किसी हद तक दिखाया गया है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, इट इज अ मेल डोमिनेंस सोसाइटी. अब ये देखें किस तरह से मेल डोमिनेंस सोसाइटी, उसको सबसे पहले टच करते हैं कि आई थिंक किसी भी जो है सोसाइटी के अंदर, किसी भी मॉरलिटी के अंदर, किसी भी जो है तहजीब के अंदर, सिविलाइजेशन के अंदर, ट्रेडिशन के अंदर, या किसी भी रिलीजन के अंदर, ये चीज़ रवा और जायज़ नहीं है कि आप विदाउट परमिशन किसी के घर में शो हो, दिखे जाए, इंटर हो किसी भी जो है ना हाउस के अंदर. और यहाँ पर एक जो है ना ये माइंड सेटअप शायद सामने राइटर दे रहा है कि वो बंदा बिलोंग करता है किससे, मिलिट्री से, उसका जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से वो बिलोंग करता है, इसलिए वो क्या करता है कि विदाउट परमिशन वो अंदर आ रहा है. या के राइटर ये बताना चाहता है कि वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये जो सोसाइटी है मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, तो लिहाजा वो जो है ना नौकर के कहने के बावजूद भी और उसके रोकने के बाद भी लुका जो है वो उसे मना भी करता है कि नहीं नहीं आप अंदर जो है ना रुक जाएं, और उसको जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट करता है. लेकिन वो पहले तो बहस तरकार करता है लुका के साथ, और फिर एक फ्यूडल होने का और लैंडलॉर्ड होने का जो तासुर देते हुए और मेल डोमिनेंस को शो करते हुए वो अंदर चला जाता है. और जब अंदर जाके वो ड्राइंग रूम होता है, उसमें बैठता है, तो पप्पूवाल से ये कमेंट्स भी करती है कि इससे तो बेहतर था कि फिर आप ऐसे करते कि उसे तनकीद करती है कि इससे बेहतर था कि आप मेरे बेडरूम के अंदर ही आ जाते. तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, ये तो उसके एथिक्स जो हैं, उसकी जो मॉरलिटी है, वहाँ पर जो जेंट्स हैं उनकी मॉरलिटी का हाल क्या है, या उस सोसाइटी का हाल क्या है, ओवरऑल थ्रू आउट जो है वो बात करता है कि उस सोसाइटी के अंदर एक जो मेल है उसकी सिविलाइजेशन को दिखाया जा रहा है, या थ्रू आउट सारी जो उसकी वो जो नेशन है, वो जो कौम है, उसकी जो सोसाइटी है, या उस पर वो हिट कर रहा है, ठीक है, नेपलाइज उसको कर रहा है. अब ये देखें कि यहाँ पर
जो है ना मेल डोमिनेंस का कुछ ये करता है ये चीज़ कि अगर एक बंदा है पहले तो वो परमिशन नहीं लेता, ठीक है, उसके बाद एक औरत है और उसके ड्राइंग रूम के अंदर आके बैठ जाता है और उसके बाद जो है ना वो उसको ये चीज़ जो है ना पिच भी नहीं कर रही, वो रियलाइज़ भी नहीं कर रहा उसकी क्रिटिसिज्म के पपुआ के बाद भी जो है ना वो ये करते जा रहा है और वो यही शो कर कर राइटर करवा रहा है कि शायद वो ये देख रहा है कि एक औरत है और मैं उसके इनोसेंट होने का जो फ़ायदा है वो उठा रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ होता भी तो यही है ना कि भी जो है ना यूज़ दी फीमेल्स और हम उनको जो है ना उनकी इनोसेंट होने का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। आप बाज़ औक़ात ये देखें ना कि जो स्टोर्स हैं, किराना स्टोर्स हैं, ग्रॉसरी की जो शॉप्स हैं उन पर, या ये कि जो कपड़े की दुकानें होती हैं, क्लॉथ शॉप्स होती हैं, वहाँ पे किसी भी जगह पे या किसी रिक्शा में, बस में जो औरत होती है उसको ऐसे समझा जाता है कि शायद वो बहुत ही कमज़ोर है, वीक है, और हम क्या करते हैं अपने 17 ऐसे उसके साथ बिहेव कर रहे होते हैं जैसे हम 17 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं। तो लिहाजा यहाँ पर भी वो सारी चीज़ों से हट कर जो एक चीज़ दे रहा है वो मेल डोमिनेंस सोसाइटी को भी शो करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम ऐसा करेक्टर जो बात कर रहे थे कि ऐसा करेक्टर जो है जिस तरह कि हम पपुआ का करेक्टर डिस्कस किया, इसके करेक्टर के अंदर एक और चीज़ को अब हम ऐड करते हैं। पहली तो ये चीज़ हो गई कि उसकी जो सोशल वैल्यूज़ हैं जो जेंट्स की उसको हमने दिखाया, ठीक है, मेल डोमिनेंस होने को दिखाया, जेस्चर्स जो है उसको दिखाया कि कैसा था उसका मोरालिटी के लिहाज से, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं, अब ये देखें कि वो उसे तकाजा बार बार कर रही है, उसमें ये चीज़ें फिर दोबारा रिपीट हो जाएंगी, उसकी मेल डोमिनेंस होना या उसकी जो सोशल मोरालिटी है उसको शो करता है कि वो उसे तकाजा कर रही है कि मेरा कॉन्टेंट इधर नहीं है, आप चले जाओ, प्लीज़ सॉरी पर सॉरी प्लीज़ सॉरी, अब आपको मिल जाएगा वन एंड हाफ एन डे टू डेज तक आपको मिल जाएगा, आप सब्र करो, लेकिन वो पेशेंट का मुजाहरा नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये भी उसके करेक्टर की, उसकी सोशल मोरालिटी के अंदर ये एक वीक पॉइंट है एज अ जेंट्स जब हम इसको डिस्कस करते हैं। देन अब ये देखें कि वो जो बंदा बिफोर, इससे पहले भी वो ये बात प्ले के अंदर भी करता है कि मेरे बहुत सारे फियर्स हैं, ठीक है। तो लिहाजा अगर एक फीमेल पे आप क्रिटिसाइज़ करते हो, उसको कंडेम करते हो, उस पर उंगलियाँ उठाते हो, तो भाई हम ये क्यों भूल जाते हैं जितना करदार करेक्टर कंपल्सरी है औरत का, इतना ही करेक्टर कंपल्सरी है किसी जेंट्स का। लेकिन मुआशरा ख्वा यूरोप का है, ख्वा पाकिस्तान का है, इंडिया का है, सब कॉन्टिनेंट का किसी भी जगह का है, हम सिर्फ एक चीज़ पे टिके होते हैं और हमारी जो बहस है बस एक बात पे हो रही होती है और हम एक चीज़ पे फोकस होते हैं कि देन करेक्टर तो बस जो है ना काउंट ही करता है, वो सिर्फ बना ही किस लिए है, औरत के लिए है। तो सुना हुआ है ना कि बंदा जो है ना वो 10 भी शादियाँ कर ले उसे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके 10 कैंडल्स चल जाए उसे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो फिर लिया का लिया है। ये है इग्नोरेंस, ये जहालत है। जितना करेक्टर किसी फीमेल का काउंट करता है इतना ही किसी मेल का करता है। और अगर एक बंदा पहले इतना ज़्यादा उसके लव अफेयर्स हैं और वो उसके बाद फिर आके जो है ना ये मामलात कर रहा है किसी फीमेल के साथ, और आया तो वो लोन लेने था लेकिन उसने जो है ना इस चीज़ का लिहाज नहीं रखा, पहले तो वो उसकी पर्सनल लाइफ पे हिट करता है कि तुम कौन सा जो रोने धोने के लिए बैठी हुई हो, तुम तो जो है ना वो ड्रेसअप हो के यहाँ बैठी हुई हो और तुम्हें कोई गम नहीं है, कोई अंदेशा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें कोई सफरिंग नहीं है, प्राइवेशंस नहीं है, तुम तो नॉटिक कर रही हो। पहली बात तो ये है कि उसे हक क्या बनता है कि किसी फीमेल पे वो इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहा है, इट इज़ हर एक्शन, ये उसका अमल है उस औरत का। आप कौन होते हो कि आप तो लोन लेने के लिए आए हो, वो देता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने घर को जाओ। आप जब ये कर रहे हो तो आप बेस तो पहले बना रहे हो, उसके बाद आप सेकंड क्या कर रहे हो कि उसके साथ छोटी छोटी बातों से उलझ रहे हो, ठीक है। तो ये आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप किसी के घर जाके और ख़ास तौर पे कोई फीमेल है उसके साथ इस तरह से ट्रीट करें, देन इट इज़ आल्सो रॉन्ग, और इसमें क्रिटिसाइज हम करेंगे इस जेंट्स करेक्टर को। उसके बाद अब ये देखिए कि सबसे पहले जो प्रपोजल आता है वो किसकी तरफ से आता है, वो सेरेमनी ऑफ की तरफ से आता है, और वो उसे कहता है कि
आई एम योर लव, ठीक है, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड समथिंग्स एल्स। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये गलत हैं। एक बंदा जिसके पहले भी अफेयर्स हैं, उसके अलावा वो पहले तो मिसबिहेव कर रहा है उसके नौकर के साथ भी, फिर उसके साथ मिसबिहेव करता है, उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है कि उसकी उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहा है कि तुम औरतें होती बेवफा, किसने उसको ये राइट दिया है कि वो क्रिटिसाइज करे किसी औरत को? क्योंकि तुम लोन लेने के लिए आओ, पहली बात है कि तुम चले जाओ, नहीं जाना तो स्कूल से बैठो, उसके बाद फिर आप उसके साथ इतने यूज हो रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल। इसका मतलब है कि आपकी आंख में भी हया नहीं है, और आपकी आंख क्या करती है कि उसके जो फिगर्स हैं, ठीक है, उसकी तरफ वो जाती है, उसके जो फिगर्स हैं, ठीक है, जो औरत के किसी भी सिविलाइज जो पर्सन है उसको जेब नहीं देता कि उसके फिगर्स को उस नज़र से देखे, ठीक है, आप उसके जो डिफरेंट फिगर्स हैं उसको देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, देन इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, आपकी जो आई है वो साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, तो इस चीज़ में कॉन्डेम करते हैं। और मेरा ख्याल है कि एक अगर मिलिट्री से अटैच बंदा पढ़ा लिखा है तो उसे तो शर्म करनी चाहिए ना ऐसी चीज़ों से और ऐसी हरकतों से, ठीक है। तो लिहाजा जितना पपुआ का करेक्टर गलत है उतना ही शर्मनाक का है। उसके अलावा बाद फिर वो क्या करता है, ठीक है, वो तो औरत है, अगर वो किसी इमोशंस में आ भी गई है तो आप क्या कर रहे हो कि उसको फिर जो है ना अपनी जो आर्म्स हैं उसमें उसको पुट कर रहे हो, उसमें उसको भर रहे हो, तो ये क्या है, एब्सर्डिटी है, ये बेहूदगी है, ठीक है, किसी भी कल्चर के अंदर ख्वाब हो यूरोप का हो, ख्वाब हो एशिया का हो, ठीक है। देन आगे हम आ जाते हैं इस चीज़ पर कि जो राइटर्स है वो क्या कन्वे करवाना चाहता है। एक्चुअली राइटर्स ने इस प्ले का नाम रखा है दी बियर, क्या रखा, दी बियर। बियर के मानी क्या होते हैं, बियर के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे जिस मीनिंग को मैं डिस्कस करूँगा वो है रीच, ठीक है, बियर। अब जब और उसे नाम भी क्या खूब रखा, दी बियर, और बियर को दी लगा के आर्टिकल लगा के साथ स्पेसिफिक कर दिया। अब एक्चुअली बात क्या है, थ्रू इस नावल, थ्रू दिस नावल जो राइटर है वो बताना चाहता है कि इस प्ले के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं वो क्या है, वो रिजेम्बलेंस रखते हैं, वो रिजेम्बलेंस रखते हैं किसके साथ, बियर के साथ। कहने को तो वो इंसान है लेकिन वो हकीकत में बियर है। क्यों उनको बियर कहता है, क्योंकि राइटर के नज़दीक ख्वाब पपोआ है या ख्वाब सेवन ऑफ है वो मॉरलिटी की उन हदों से गिर चुके हैं कि उसके नज़दीक वो क्या है, वो बियर। क्यों, क्योंकि वो उसमें वाजिया बता रहा है कि क्या एक औरत को ये चीज़ रवा है, उसको सेफ देती है कि वो अपने हस्बैंड के 7 मंथ आगे जो वो लक्षण कर रही है, जो वो उसके काम है, वो जेब तो नहीं देता किसी भी औरत को और किसी भी सोसाइटी के अंदर। उसके बाद उसके बाद सेकंड उधर जाए गोबर, अच्छा, उसके बाद वो जो सेकंड बात कर रहा है, ठीक है, वो क्या करता है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं है जिसको वो ह्यूमन कह सके, जिसको वो ह्यूमन के तौर पे ले सके, क्योंकि वो मॉरलिटी की हदों से गिर चुके हैं। एक औरत है वो 7 मंथ बाद मैरिज कर रही है, उसके बाद वो खुद को डेकोरेट ऐसे कर रही है जैसे पहले रात की दुल्हन होती है। वाह, ये क्यों है, आपका हस्बैंड मर गया है, आप ये डेकोरेशन किसी के लिए कर रहे हैं, यू आर नॉट डेकोरेट पीस, यू आर ह्यूमन बींग, ठीक है। देन वो औरत जो है वो क्या है कि उसके जो वादे थे अपने हस्बैंड के साथ वो तो उसने वफा ही नहीं किए। उसका वादा था मैं किसी और से मैरिज नहीं करूंगी, मैं किसी को देखूंगी भी नहीं, मैं किसी इंसान की शक्ल नहीं देखूंगी, और देन वो क्या कर रही है, किसी शख्स की मोहब्बत में इन्वॉल्व हो रही है। और सबसे बड़ी मुझे इस नावल के अंदर जो बुरी बात लगी है वो क्या करती है, वो कहती है कि हाँ,
तो मर्द होते ही बेवफा हो। और वो क्या करती है, उठा के लेटर ले आती है, कहता है कि ये मेरे हस्बैंड के लेटर्स हैं, वो मेरे होते हुए भी क्या करता था, औरतों को खत लिखा करता था। यहां से ये एक चीज वो ये शो कर रही है कि वो कहती है ना मकाफात अमल तो होता है, और ये भी हमारे लिए वो लिख रहा है, और क्योंकि वो एक नई चीज को लेटर से जन्म दे रहा है कि भाई अगर आज आप किसी के साथ वफा नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में या आपके जाने के बाद फिर आपके साथ भी वैसे ही होगा। वो बात जो मैं कर रहा था कि क्या अखलाक और मोरलिटी सिर्फ फीमेल्स के लिए रह गई है, अगर आप इतने डिसऑनेस्ट हो अपने रिलेशन में तो आपके मरने के बाद फिर आप ये बीवी है वाइफ है वो भी तो पपुआ ही बनेगी ना। ठीक है, एक तो वो राइटर ये शो कर रहा है कि अगर आज किसी को सिंसियरिटी देंगे तो कल किसी को ये तवक्को करेंगे वो भी आपको सिंसियर हो दे, और ये सिर्फ एक मेल और फीमेल रिलेशन में काउंटिंग करता है, ये हर रिलेशन में है, वो फ्रेंडशिप है ठीक है, वो माँ के साथ रिलेशन है, वो बाप के साथ रिलेशन है, भाई के साथ रिलेशन है, किसी महबूबा के साथ रिलेशन है, किसी के साथ भी है। देन अगर आज आप किसी के साथ सिंसियर हैं तो कल को आपके साथ बिल्कुल सिंसियर होगा। दैट्स इट, दैट क्लियर। ठीक है, अब सेकेंड जो है वो बात ये कि जो जेंट्स हैं जिस तरह के हम बात कर रहे थे सरमन ऑफ के लिहाज से, जेंट्स भी तो अपनी फीमेल्स जो उनकी वाइफ हैं या गर्लफ्रेंड हैं उनके साथ भी तो ऐसे ही करते हैं ना, उनकी प्रेजेंस में वो लव लेटर किसी और को लिखते हैं, तो फिर कल वो को उसके लिए ना ही महबूबा वफा करती है और ना ही बीवी वफा करती है, और हम दोष दे रहे होते हैं दूसरों को। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा उस चीज़ पर कि वो कहता है कि एक दो वो लेटर उठा के जाती है, ठीक है ये तो कंटेमिनेशन हो गए, लेकिन इसमें एक और लिहाज से वो पपुआ को भी क्रिटिसाइज कर रहा है कि अगर आपके हस्बैंड का कोई पर्सनल रिलेशन किसी के साथ था तो आपकी वफा ये इजाजत देती है कि आप किसी के सामने रखें, वो तो मान लिया बुरा था लेकिन आप भी तो उसको जमाने में बदनाम और उसके जाने के बाद उसको ये दे रहे हैं ना, किसी के मरने के बाद भी तो वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है ना, किसी को बुरा मत कहो। ठीक है, तो आप अगर आप किसी के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप ये तो इजाजत नहीं देंगे कि कोई वाइफ अपने हस्बैंड के पास के जो रिलेशंस हैं उनको इस तरह से मंजर आम पे लाए, तो लिहाजा पपुआ के करैक्टर के अंदर भी तो ये एक डिसऑनेस्टी है कि उसके मरने के बाद जो उसके लेटर्स हैं उनको वो क्या कर रही है, मंजर आम पे लेके आ रही है। उसके बाद जब वो जो पपुआ है वो क्या करती है कि वो उस पर इमोशंस जो हैं, जो फीलिंग्स हैं वो इतनी हैवी हो जाती हैं कि वो उसके गले से लग जाती है। तो ये मोहब्बत तो ना हुई, जो मोहब्बत होती है ना उसमें तो इमोशंस गालिब ही नहीं आते। मैंने कई एक लोगों को यकीन माने एज अ टीचर या ये कि एक ऑनर ऑनरेबल पर्सनैलिटी अपनी सोसाइटी होने के नाते कई गर्ल्स आती हैं मेरे पास, वो अपने पर्सनल्स मेरे साथ शेयर कर रही होती हैं, तो जिस शख्स के साथ उनका कोई पर्सनल होता भी है तो कहती हैं कि हमारे ऊपर उस शख्स के लिए भी कोई इमोशंस नहीं है। ठीक है, वो इस स्टेटमेंट को इस तरह से आगे खुदा जानता है कि उनके दिल में क्या, वो ये पास कर देती हैं कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लाइक करना गुनाह नहीं है, लेकिन इससे हट कर मेरे लिए कोई गलत इमोशंस, कोई लस्ट, कोई सेक्शुअल रिलेशंस मेरे यहाँ से नहीं है, और उसके लिए उस शख्स के लिए जिसके साथ मेरा है उसके लिए भी मेरे अंदर पैदा नहीं होते। ठीक है, तो आप एक विडो हैं, उसके बाद आप के पास चंद लम्बे कोई शख्स गुजारता है, चंद लम्हों की मुलाकात में वो मेरे लिए इतना अजीम हो गया कि हमने उसे देवता मान लिया और उसके गले से लग गए, उसके इमोशंस इतने कमज़ोर।